हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। CDP की इस महत्वपूर्ण क्लास सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण, तो फटाफट वीडियो फ्रेंड और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा। यह क्लास आप सभी साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जल्दी से सभी लोग जुड़ेंगे और चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, भाषा और शब्द के अर्थ के दृष्टिकोण से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा, शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। क्या रस कहते हैं, क्या अलंकार कहते हैं, क्या गुण कहते हैं, क्या छंद कहते हैं। फटाफट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर कमेंट करके बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है, जल्द से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करके फर्स्ट का सही जवाब क्या है जल्दी से बताइए। सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। फटाफट अंतर कमेंट के बताएंगे कि आपकी सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी साथियों के जवाब सही होने चाहिए। भैया अलंकार कहते हैं, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भैया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार की संज्ञा देते हैं। विकल्प नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बी द राइट आंसर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर कमेंट करके बताइए, साहित्य में रस का क्या अर्थ है, जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर बताइए फ्रेंड, फटाफट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अपने आंसर कमेंट करिएगा कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का मिलने वाली आनंदानुभूति। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आप सभी के जवाब बिल्कुल सही होंगे क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी साथियों के जवाब 100% सही होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। फटाफट आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, साहित्य में देखिए रस का क्या अर्थ होता है फ्रेंड। तो रस का जो अर्थ होता है, जो आपके साहित्य का बताया है, जो रस का अर्थ होता है फ्रेंड, सीधा अर्थ होता है कि साहित्य में मिलने वाली आनंद की अनुभूति। जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस की संज्ञा देते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है कि जो रस होता है उसका अर्थ होता है साहित्य में मिलने वाली आनंद अनुभूति। इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे, चांदनी, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। थोड़े दिन का सुख, चार न दिखाई देना, चार दिन की चाँद निकलना, सुख ही सुख होना। क्या फ्रेंड पूछा जा रहा है कि चार दिन की चांदनी फिर अधेरी रात, इससे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा फ्रेंड क्वेश्चन है, मेरे सभी साथियों के जवाब सही होंगे क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन अभी आपकी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिला है। देखिए चार दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है, चार दिन की चांदनी का मतलब है फ्रेंड थोड़े दिन का, जी हाँ थोड़े दिन की सुख और उसके तत्पश्चात आपका पुनः वही जो जैसी भी आपकी दिनचर्या चले उस प्रकार से आपकी दिनचर्या चलने लगे। तो कहते हैं ना, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कहने का मतलब फ्रेंड कि थोड़े दिन के लिए खुशियां, उसके बाद फिर मुसीबत का आना। इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर, ये कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब सही हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का जो आंसर होगा होगा थोड़े दिन का सुख। आगे बात करेंगे, वह दिन भर पढ़ता है में दिन भर किस प्रकार का अव्यय है। दिन भर किस प्रकार का अव्यय है, क्या परिणामवाची अव्यय है, क्या निष्पाद अव्यय है, क्या समुच्चय बोधक अव्यय है, क्या प्रश्नवाचक अव्यय है। फटाक से आंसर कमेंट करके बताएं। दिन भर पढ़ता है में रेखांकित पद किस प्रकार का अव्यय है। फटाफट आंसर कमेंट कर बताइएगा कि जो रेखांकित पद है वह किस प्रकार का अव्यय है। अब आपके आंसर सही होंगे इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अव्यय वाले जो क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में नियमित तौर से पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है गलती नहीं होनी चाहिए। वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद में जो अव्यय फ्रेंड वह है आपका जी निपात। बिल्कुल बहुत बढ़िया, निपात इज द राइट आंसर। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। लगता है कुछ इशू है क्या, आपके कमेंट हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बहुत बढ़िया फ्रेंड, विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। निपात अव्यय है यहाँ पर, विकल्प नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है,
उससे शिमला जाना है या उसे शिमला जाना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी के जवाब सही होंगे भैया, उसे शिमला जाना है इज द राइट आंसर, विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक ये वाक्य तो बिल्कुल सही पता चल जाएगा, उसे शिमला जाना है डी इसका बिल्कुल सही विकल्प है, डी द राइट आंसर, उसे शिमला जाना है इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है, दूध का पर्यायवाची नहीं है, दुग्ध है, दुग्ध है भाई आपका, पय है, गौरस है, अमीय नहीं है फ्रेंड, अमीय आपका अमृत का पर्याय है, जी हाँ अमीय जो है वह अमृत का पर्याय है, दुग्ध पय गौरस ये सारे आपके दूध के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली कौन सा कारक है, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक, उसने टेढ़ी चाल चली इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, उसने देखिए कर्ता ने कर्म को, तो ने आपका जो चिन्ह है कारक का तो कर्ता कारक इसका बिल्कुल सही जवाब है, उसने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के द्वारा अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध ही हो अरे सॉरी संबंध का के की संबोधन ही हो अरे, जी हाँ ये आपका कारक का चिन्ह है, इसको याद रखेंगे तो कारक संबंधित क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, बिल्कुल कर्ता कारक इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, शोक, पृथ्वी, चंद्र, परक, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है, तो शोक आपका ये तत्सम है, पृथ्वी आपका तत्सम है, चंद्र आपका तत्सम है, परक आपका ये तद्भव शब्द है ये तत्सम नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं, सभी तद्भव शब्द हैं, आंसर बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सभी तद्भव शब्द हैं, आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, रत्न, उच्च, दुर्लभ, पुष्प, किसी एक तद्भव शब्द को आप ढूंढ लीजिए आपका विकल्प सही हो जाएगा, किसी एक तद्भव शब्द को आप ढूंढिए क्योंकि ये क्रम आपका एक दिया गया है इसमें सारे तद्भव हैं तो उसी को आपको बताना है, जी हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए आग आपका तद्भव है, जीव भी आपका तद्भव है, घर भी आपका तद्भव है, आग का जो तत्सम होता है अग्नि होता है, जीव का जीवा होता है, घर का गृह होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बढ़ेंगे, यह मास जो चंद्रमा, जी हाँ यह मास जो चंद्रमा की स्पेस के अनुसार गिना जाता है कहलाता है, गतिमल मास, रितिमल मास, गति चंद्रमास या रीति चंद्रमास, बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। यह मास जो चंद्रमा के अनुसार गिना जाता है भाई इसे क्या कहते हैं, गतिमल मास कहते हैं, रितिमल मास कहते हैं, गति चंद्रमास कहते हैं, रीति चंद्रमास कहते हैं, फटाक से बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, उसे हम गति चंद्रमास की संज्ञा देते हैं, विकल्प नंबर सी वाले साथी के जवाब सही हैं भैया, सी कमेंट करिए, सी सी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का है कि यह जो मास होता है वह गति चंद्रमास कहलाता है। अगला क्वेश्चन के जवाब मेरे सभी साथियों को पता होगा, यह र ल व किस प्रकार का व्यंजन है, इसके आंसर तुरंत छाप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, यह र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन है, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यह र ल व आपके अंतस्थ व्यंजन है, इस क्वेश्चन के जवाब मेरे लगभग लगभग सभी साथियों के सही होंगे, बहुत बढ़िया आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, बी द राइट आंसर, बहुत बढ़िया फ्रेंड, सभी साथी कमेंट सेक्शन में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, गुड़ दोस्त की परख करना, बहुत ही मीन खेज निकालना या मुश्किल काम करना, बाल की खाल निकालना है फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, बाल की खाल निकालना फ्रेंड, फटाफट आंसर बताइएगा जल्दी से, चलिए ए ए ए ए बी बी आंसर है भैया, बाल की खाल निकालना मतलब क्या होता है, मुश्किल काम करना, जी हाँ जो काम बिल्कुल मुश्किल हो उसको करना ही बाल की खाल निकालना कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, डी द राइट आंसर, डी। चलिए आगे कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताना है आपको, कोष्टक में दिया गया विराम चिन्ह बिल्कुल सिंपल सा है, विस्मय बोधक, जी हाँ विस्मय बोधक इज द राइट आंसर, कोष्टक में दिया गया जो विराम चिन्ह फ्रेंड वह है आपका विस्मय बोधक होगा, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है, आप देखिए चिन्ह आराम से देखिए, प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है, अल्प विराम का और पूर्ण विराम का क्या होता है, बस ये सारे आपके चिन्ह होते हैं जो यहाँ पर पूछा गया है कोष्टक में, विस्मय बोधक है। अगला फ्रेंड
वाच के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, वाच के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता है कि वाच तीन होते हैं, कर्ता, जी हाँ, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, वाच आपके तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का डी बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बात करेंगे सज्जन में। सज्जन में पक्ष जो समास प्रयुक्त का नाम क्या है? कर्मधार है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। बताइए फ्रेंड, सज्जन में किस प्रकार का समास प्रयुक्त हुआ है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। सज्जन में, जी हाँ, सज्जन में पहला पद क्या है? विशेष्य है और दूसरा विशेषण है। जी हाँ, विकल्प नंबर ए कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, सत प्लस जन मतलब अच्छे जन, सत प्लस जन बराबर अच्छे जन। अच्छा क्या है आपका? विशेषण। जी हाँ, अच्छा विशेषण, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। सतजन मतलब अच्छा जन, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अपराध बोध, जी हाँ, अपराध बोध से होने वाली ग्लानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानी या पश्चाताप, अपराध बोध से होने वाली ग्लानी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है भैया? बताइए फ्रेंड, अपराध बोध से होने वाली ग्लानी के लिए एक शब्द कौन सा है? बिल्कुल आंसर कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिएगा सभी साथी। अपराध बोध होने पर मतलब क्या है? जो आपने अपराध किया है और यदि आपको पता चल जाए कि मैंने गलत किया है तो उस समय जो स्थिति पैदा होती है उसे हम आत्मग्लानी कहते हैं। विकल्प नंबर सी वाले साथियों के जवाब सही हैं। जो लोग सी कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब सही हैं, बाकी लोगों के गलत हैं। सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सी बिल्कुल सही विकल्प है। यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है। ताले, ताले में कौन सा कारक है? जी हाँ फ्रेंड, प्रेरकांकित वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या कर्ता कारक है? यह ताले की चाबी है, क्योंकि की आपसे पूछा जा रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के द्वारा, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की और संबोधन हे अरे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संबंध तो दिख नहीं रहा है, अब बताइए आप, थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हुआ है। जी हाँ, संप्रदान के लिए, संप्रदान का भी का को के लिए भी होता है, के लिए, के द्वारा, की। विकल्प नंबर ए इसका सवाब सवाब सही हो जाएगा कि यह ताले की चाबी है, इसमें जो है संप्रदान कारक है। सापेक्ष का सही विलोम है फ्रेंड, सापेक्ष का सही विलोम है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके जवाब तो सभी लोग सही कमेंट करिएगा। सापेक्ष के विलोम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए फटाफट। सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि यह आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखते हुए सामान्य हिंदी की एक बहुत ही विशेष क्लास है, जो परीक्षा में निश्चित तौर से आपको मदद पहुँचाएगी। इसलिए आप सभी का कार्य इतना है, केवल वीडियो को शेयर करना है, सभी साथियों तक वीडियो पहुँचाना है और निश्चित तौर से इस वीडियो का आपको लाभ होगा। तो सापेक्ष का जो विलोम होगा फ्रेंड, होगा निरपेक्ष। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी के जवाब सही है भैया, ए द राइट आंसर। अगला, चारों चरणों में समान मात्राओं, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? भैया सममात्रिक छंद होता है। चारों चरणों में समान मात्रा वाला जो छंद होता है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें कुछ सोचना समझना विचार करना ही नहीं है। विकल्प नंबर ए इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, चारों चरणों में सम मात्रा वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ई, अप, चट या ज आ? ये देखिए क्वेश्चन मज़ेदार है, परीक्षा वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको तो आप लोग आंसर कमेंट ही करिएगा सभी साथी। जो लोग नहीं कमेंट करें किसी भी क्वेश्चन के लिए, इसके लिए आंसर जरूर कमेंट करें। यह बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आपको निश्चित तौर से परीक्षा में उलझाएगा। बताइए वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पहले बात करते हैं कौन कौन सा पुल्लिंग है। तो देखिए भैया, अप पुल्लिंग है, ज आ पुल्लिंग है, चट पुल्लिंग है, ये तीनों पुल्लिंग है। तो जो नहीं है फ्रेंड वह विकल्प नंबर ए। ई आपका यह पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग को दर्शाता है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। क्रोध किस रस का स्थाई भाव है? क्रोध किस रस का स्थाई भाव है? बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। क्रोध जो है वह रौद्र रस का स्थाई भाव है। क्रोध रौद्र रस का स्थाई भाव है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्रोध रौद्र रस का स्थाई भाव है। अगला फ्रेंड, उत्कर्ष में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उत्कर्ष में
कौन सा उत्तर प्रयुक्त हुआ है? उ उन उत उद। यह भी क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार है फ्रेंड। उत्कर्ष में जो उत्तर प्रयुक्त हुआ है आप सब तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उत्कर्ष में उत धन कर उत्कर्ष ने मिलकर बना उत्कर्ष। तो आपके जानते हैं उत्तर क्या होता है कि शब्दों के जो होता है वह आरंभ में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उत आपका यहाँ पर उत्सर्ग लगा हुआ है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो आप जानते हैं कि 343 से लेकर 351 तक संविधान के आर्टिकल 343 का से लेकर 351 तक हिंदी जो है वह राज्यभाषा के रूप में रखी गई है। राज्यभाषा के रूप में उसका स्थान है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ कि दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विलम्ब है? प्रतिवर्ग, प्रतियां, प्रतिजन या प्रतिवर्ग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प होगा? क्या प्रतिवर्ग होगा, क्या प्रतियां होगा, क्या प्रति होगा या प्रतिजन होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। प्रति का विलोम कौन सा शब्द होगा? प्रति का विलोम कौन सा शब्द होगा? यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कहते हैं ना इस पेज की 1000 प्रतियां निकाल दीजिए। इस पेज की 1000 प्रतियां निकाल दीजिए, कहने का मतलब फ्रेंड विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पेज की 1000 प्रतियां निकाल दीजिए। इस प्रकार से प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं। थोड़े से दिमाग लगाइएगा, आंसर सही हो जाएगा। अल्पहारी, अल्पहारी के लिए उचित वाक्यांश। जी हाँ, अल्पहारी के लिए उचित वाक्यांश क्या है? जो कंदमूल खाता है, जो फल खाता है, जो कम खाता है, जो पकवान खाता है। तो अल्पाहारी का मतलब फ्रेंड अल्प मतलब कम, आहार मतलब खाने वाला। तो जो कम खाता है उसके लिए एक शब्द होता है अल्पाहारी। इसलिए विकल्प नंबर सी इसका भी बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा ही मैं भी समझ रहा हूँ। विकल्प नंबर सी आप लोग कमेंट आ रहे हैं और विकल्प नंबर यहाँ पर भी सही है सी। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास है? रणवीर, दुश्चरित, विचारमग्न या सिरदर्द। किसमें आपका कर्मधारय समास है? पहला पद विशेषण जहाँ पर हो, दूसरा विशेष हो, वहीं पर आपका जो है कर्मधारय समास होगा। तो बताएंगे फ्रेंड, ठीक है, ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया, बी वाले साथियों के जवाब सही हैं। दुष्चरित्र का मतलब होता है बुरा चरित्र। दुष्ट का मतलब होता है बुरा और चरित्र मतलब होता है जिसका भी चरित्र आचरण, जिसका आचरण सही नहीं उसे दुष्चरित्र कहते हैं। इसलिए बी इज द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। देखिए बात हो रही है अपनत्व की, बात यहाँ पर हो रही है फ्रेंड अपनत्व की। तो जाहिर सी बात है कौन से विकल्प को आप फॉलो करेंगे? सामने जो दिख रहा है वह बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। यहाँ पर फ्रेंड निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, बी द राइट आंसर। सामने जो बड़ा महल है वह निश्चय कर रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, उत्प्रेक्षा अलंकार की उत्पत्ति कब होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार की उत्पत्ति कब होती है? जब उपमेय और उपमान में, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। बहुत बढ़िया, पहला विकल्प हमारा सही हो गया है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार तीनों अलंकार आपके क्लियर होते हैं। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद या औपनिषदिक। जल्दी से बताइएगा। पूछा जा रहा है कि उपनिषद में एक प्रत्यय लगा देने पर। आई होप सभी साथियों के जवाब सही, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उपनिषद में यदि आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाना है, जी हाँ, औपनिषदिक, जी हाँ, विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ए वाले साथियों के कमेंट सही हैं, ए इज द राइट आंसर। राम अयोध्या के राजा थे वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? अल्पविराम, पूर्ण विराम, हंतपद या रेखिका। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको दिखाई भी दे रहा, राम अयोध्या के राजा थे वाक्य पूर्ण हो चुका है, इसमें कुछ भी बचा कुचा नहीं है। तो इसका मतलब आप पूर्ण विराम लगाएंगे। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं।
इसलिए विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि राम अयोध्या के राजा थे या पूर्ण विराम है, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथियों तक, अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।